नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। वीडियो डिलीट करने को लेकर हुआ था विवाद। नशे के सौदागरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ब्राउन सुगर के साथ 2 लाख रुपया हुआ बरामद। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से लैस वाहनों को डीआईजी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 112 डायल करते ही 10 मिनट में पहुंचेगी पुलिस। नवगछे में मध्याह्न भोजन खाने से 2 दर्जन बच्चे हुए बीमार। अस्पताल में चल रहा है इलाज। और स्मार्ट सिटी के तहत सैंडिस कंपाउंड में लगाए गए ग्रिल की असामाजिक तत्वों ने की चोरी। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर हबीपुर थाना क्षेत्र गंगटी मोहल्ले में 26 जून की सुबह फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय अजीत कुमार हत्या मामले के मुख्य अभियुक्त दयानंद मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयोग धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया है। शुक्रवार को सिटी SP शुभम आर्य ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए अपराधी के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। SP ने बताया कि अजीत कुमार की हत्या दयानंद मंडल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर की थी, जिसके बाद मृतक की मां ने दयानंद मंडल सहित कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। SP ने कहा कि पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को विश्वविद्यालय रोड से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी दयानंद मंडल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। गौरतलब है कि अजीत कुमार हत्या मामले का IO दरोगा अंजय सत्यार्थी को बनाया गया है। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि मोबाइल से वीडियो डिलीट करने को लेकर अजीत के साथ पहले विवाद हुआ, फिर मारपीट। इसी दौरान आवेश में आकर उसने अन्य साथियों के साथ मिलकर अजीत की गला रेतकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हबीबपुर थाना अंतर्गत दिनांक 26 तारीख को एक भैरवपुर एरिया पड़ता है, जहां पे बगीचा में एक लाश बरामद हुई थी, जिसमें बहुत ही वायलेंट तरीके से उसके हाथ पैर काटे गए थे और उसमें एक बच्चा भी था जिसके ऊपर खून की छींटे आई थी। तो उस जब अपराधकर्मी के लिए हमने पूछताछ करनी शुरू की तो हमें पता लगा कि उस अपराधकर्मी का और मृतक का एक महिला के साथ में संबंध था। और इसी संबंध के दौरान में जो ये अपराधकर्मी जो पकड़ा गया है, इसने कोई किसी वीडियो फुटेज बना ली थी महिला की, जो जिसके बलबूते पर ये ब्लैकमेल कर रहा था महिला को। कोई ऐसी फ़ोटो थी, साथ में फ़ोटो थी जिसे वो वायरल करने के लिए बोल रहा था कि महिला के परिवार वालों को दिखा दिया जाएगा। तो इसी चीज़ को लेकर बातचीत करने के लिए जो हमारे मृतक थे, मृतक अजीत यादव, ये बातचीत करने के लिए गए, अपने बच्चे के साथ में गए, तभी यहाँ पे इनमें बहसा बहसी हुई और इनके साथ में 2 और अपराधकर्मी जो जिनका नाम आया है, वो एक धारदार हथियार से इन्हें भगा के दौड़ा के इनके साथ कई बार हमला किया और इन्हें मृत्यु कर दी इनकी। भागलपुर के कुछ युवा अब नशे के सौदागर बनते जा रहे हैं। इन युवाओं के द्वारा शराब के साथ गांजा और स्मैक की भी तस्करी की जा रही है। हालांकि पुलिस ने स्मैक और गांजा के कारोबार में संलिप्त कई शातिर युवाओं और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भागलपुर पुलिस युवाओं को नशे के लत से बचाने के लिए ऑपरेशन नवचेतना भी चला रही है। पुलिस लगातार नशा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की खरीद बिक्री करने वाले 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 42 ग्राम ब्राउन शुगर, 2,10,000 नकद, 5 मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन एवं 2 मोटरसाइकिल के साथ अन्य मानों को बरामद किया है। सिटी SP शुभम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। सिटी SP ने बताया कि ततारपुर चौक के समीप ब्राउन शुगर माफिया मोहम्मद बिट्टू किसी अज्ञात तस्कर से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर खरीदने वाला था, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें शामिल पुलिस अधिकारियों ने घेराबंदी कर मोहम्मद मिस्टर बिट्टू कुमार, सौरभ राय, रणवीर कुमार और मोहम्मद इफ्तिखार को दबोच लिया। कल दिनांक 29 तारीख को ततारपुर थाना को फ़ोन आया और उसमें गुप्त सूचना के आधार पर बताया गया कि ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री हो रही है।
तो जब वो शहादत हुसैन लेन में पहुँचे तो एक आदमी जो पकड़ा गया, उसका नाम है मोहम्मद इफ्तिकार, वो ब्राउन शुगर ख़रीदने के लिए आया था और उसके पास कुल लगभग 2,10,000 रुपये जो थे जिससे वो ख़रीदना चाह रहा था। उसमें उसके पास से 2.5 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद हुआ। उसकी निशानदेही पे और छापामारी की गई और जब छापामारी की गई तो उसमें अन्य 4 और लोग का नाम आया है जो इसमें खरीद बिक्री में ब्राउन शुगर खरीद के लाते हैं और एक दूसरे को बेचते हैं। उनके बाद कुल मिला के 42 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर हुआ है और इनके पास से 2 मोटरसाइकिल जो ये अपराध में इस्तेमाल करते हैं और 5 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। भागलपुर में घटना के बाद पुलिस के विलंब से पहुंचने की शिकायत अब लोगों को नहीं रहेगी। इसके लिए 112 नंबर डायल करना होगा जिसके बाद पुलिस संबंधित स्थल पर पहुंच जाएगी, क्योंकि महानगरों की तर्ज पर स्मार्ट सिटी भागलपुर में भी क्विक रिस्पांस टीम काम करने लगी है। गुरुवार को जिला पुलिस केंद्र से DIG विवेकानंद के नेतृत्व में 112 टोल फ्री नंबर के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा इस सुविधा को शुरू करने के लिए जो वाहन भागलपुर पुलिस को उपलब्ध कराया गया है उसमें GPS से लेकर अन्य सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। ये वाहन जिले के सभी गश्ती वाहन से सीधे जुड़े रहेंगे ताकि अगर कहीं से किसी तरह की सूचना मिलती है तो तत्काल नजदीक के पुलिस गश्ती वाहन को घटनास्थल पर भेजा जा सके। वही इसकी शुरुआत होने से खासकर स्कूली छात्राओं एवं महिलाओं को किसी भी तरह की आपात स्थिति में पुलिस की आसानी से मदद मिल पाएगी। अधिकारियों ने बताया कि 112 नंबर वाले पुलिस क्विक रिस्पॉन्स टीम के वाहन पर शिफ्ट में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जानकारी के अनुसार घटना की सूचना जैसे ही किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा उक्त नंबर पर दी जाएगी वैसे ही उसका पूरा लोकेशन वाहन में बैठे पुलिस कर्मी को मिल जाएगा। इसके अलावा GPS से जुड़े जिले के गश्ती वाहन को भी तत्काल लोकेशन की सूचना फॉरवर्ड हो जाएगी कि किस क्षेत्र के किस पीड़ित को कहां पर मदद की जरूरत है। DIG विवेकानंद ने बताया कि 112 नंबर डायल कर पुलिस की मदद लेने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सेवा स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्राओं को राहत चलते मंचलों की परेशानी से निजात दिलाने के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा बाजार में भी किसी तरह के विवाद या छिनतई की घटना के बाद पुलिस से संपर्क साधने के लिए महिलाओं को भटकना नहीं पड़ेगा। DIG ने भरोसा दिलाया कि जिले में क्राइम कंट्रोल और बेहतर पुलिसिंग के लिए ये 12 वाहन काफी कारगर होंगे। DIG ने कहा कि शहर में बढ़ते अपराध को देखते हुए सभी चौक चौराहों पर इन वाहनों को भी रात्रि गश्ती में लगाने का निर्देश दिया गया है। मौके पर SSP बाबूराम, SP शिवन प्रभात, SP शुभम आर्य, सार्जेंट मेजर KK शर्मा समेत कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। मेडिकल, फायर एवं पुलिस रिलेटेड इमरजेंसी के लिए एक समेकित सेवा की शुरुआत 112 के माध्यम से की गई है, जिसका कॉल सेंटर पटना में अवस्थित है और वहां पर जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं टेलीफोन पर या उनके नंबर पर, तो उसके आधार पर दिए गए GPS लोकेशन के आधार पर ये गाड़ियां जो हैं अपने पदाधिकारियों के साथ वो घटनास्थल पर पहुंचेंगी और उन्हें आवश्यक सेवा उपलब्ध कराएगी। यही इसका उद्देश्य है कि जनता के बीच जो भी समस्याएं हैं वहां फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में ये पहुंचें और उन्हें मदद पहुंचाएं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि खाना में जहर मिलाकर बच्चों को खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन नवगछा के रंगरा प्रखंड में आज यह घटना सच साबित हो गई। दरअसल करारी तिनटंगा मध्य विद्यालय में जहरीला खाना खिलाने से तकरीबन 2 दर्जन बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए स्थानीय क्लिनिक में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे रंगरा उप स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया। एक और जहां सरकार विद्यालय में समाचार संकलन से मीडिया को रोकने का कार्य करती है, वहीं विद्यालय में हो रही इस तरह की घटना विद्यालय में शिक्षा से लेकर मिड डे मील संचालन की लापरवाही को दर्शा रही है, जिसके कारण 2 दर्जन बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। अब देखना यह है कि इस मामले के बाद सरकार और विभाग ऐसे प्रधानाचार्य और प्रबंधन पर कब और किस तरह की कार्यवाही करती है। और मैं तो के खाओ ने खा ले लिया, अब वही में उल्टी हुआ लग ली, तरिया धुल गिरी गई। कौन स्कूल पर है चाहे स्कूल के नाम छो दुर्गा स्तंभ कुल दुर्गा स्तंभ कुल दुर्गा। जब खाना खाया
खाना खाने के बाद उल्टी दस्त वही कर दिया थाली धोने के दरमियान में। कहाँ पे ये? ये जो तीन टेंगा दियारा मध्य विद्यालय दुर्गा स्थान। कहाँ, कौन प्रखंड? रंगरा प्रखंड। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ खिचड़ी खाया बच्चा, थाली धोते ही वक्त वहाँ उल्टी दस्त करना स्टार्ट गया और स्थिति बिगड़ते चल गया। कितने लोग बच्चे होंगे? बच्चे तो अभी होते जा रहा है, अभी तत्काल 15-20 बच्चे हो गया और भी बिगड़ रहा है बच्चे। सभी का इलाज कहाँ पे हो रहा है? इलाज हम लोग यहाँ आए हैं और कहीं रंगरा ओपी आ रहा है, कहीं और जा रहा है, कभी गांव में ट्रीटमेंट करा रहा है कोई। पापा आई नहीं थी, खिचड़ी खाई और उसे सब बच्चा होने लगी, हम देखने के लिए गया, दूसरे ने देखा है। स्कूल में ही तबीयत खराब हो गया बच्चा को, वो भी देर नहीं है। कितना बच्चा का अप्रोक्स तबीयत खराब हुआ है? बहुत बच्चा हुआ है, गिनती कितने देंगे हम। मतलब अभी आप लोग यहाँ रंगरा अस्पताल लाए हैं? भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड की चार दीवारी में लगाए गए लोहे के ग्रिल को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने काट कर चोरी कर ली। दरअसल बुधवार को निगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को सैंडिस कंपाउंड की चार दीवारी में दो जगहों से ग्रिल गायब होने की जानकारी मिली, जबकि 5 दिन पूर्व भी चार दीवारी का 5 ग्रिल चोरों ने काट लिया था। बड़ी बात यह है कि चोरी की घटना सामने आने के बावजूद प्रशासन की ओर से चोरों को पकड़ने या इसकी निगरानी बढ़ाने की कोई पहल नहीं की गई। बता दें कि शहर के बीचों बीच स्थित सैंडिस कंपाउंड की सुरक्षा और असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए लगाई गई लोहे के ग्रिल की सुरक्षा ही अब नहीं हो पा रही है, जिससे शहर की पुलिसिंग और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इसको लेकर स्मार्ट सिटी कंपनी के CGM संदीप कुमार का कहना है कि ग्रिल चोरी के मामले की सूचना स्थानीय थाना और पुलिस अधिकारियों को दे दी गई है और आगे ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए जरूरी कदम उठाया जाएगा। रात 8 बजे तक हमने ये न्यू गेट है सैंडिस कंपाउंड का, इस पर काम कर रहे थे अपने जो है वेल्डिंग का, तो हमने औजार अपने जो है इसी रूम में रखे थे रात को। वेल्डिंग मशीन थी और ड्रिल मशीन थी, हैमर ड्रिल और ग्लेंडर वगैरह, तो वो सभी रात को तो रखे गए हैं और सुबह में 6 बजे आके हम देख रहे हैं 7 बजे, तो यहाँ ताला टूटा पड़ा था और हमारे औजार सारे चोरी थे उसमें। उसमें जो है फिटिंग वगैरह भी होती हैं लोहे की, वो सब चोरी हो गई थी। तो कम से कम मेरे को, आपने सूचना किसको दी? सूचना कंपनी को बोला था मैंने। कंपनी वाले क्या बोले? कंपनी वाले आए हैं, देखा है, उन्होंने भी मुआयना कराया, देख के फिर उन्होंने मेरे ख्याल से रिपोर्ट वगैरह करी होगी। लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग भाई साहब मेरे टूल टोल की कम से कम 35,000 रुपए की चोरी है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को सुरक्षा प्रहरी द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर सुरक्षा प्रहरियों ने कॉन्ट्रैक्टर और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का कहना है कि वे लोग विगत 7 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, जबकि कंपनी के द्वारा उनकी वेतन राशि का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा 1 जुलाई से उन्हें नौकरी छोड़ने की बात कह रहे हैं। सुरक्षा हरियों ने कॉन्ट्रैक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरी के एवज में उनसे 15,000 रुपये की मांग की गई है, जिसको लेकर जिले के विभिन्न इलाकों से आए 71 कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य उमाशंकर सिंह के समक्ष अपनी बात रखी, लेकिन प्राचार्य ने कुछ भी करने से साफ नकार दिया। साथ ही प्राचार्य ने कहा कि इस मामले में वो किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर सकते हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि यह मामला सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़ा है और कॉलेज प्रबंधन उन्हें केवल गार्ड की नियुक्ति के लिए ठेका दे देते हैं, लेकिन इस मामले में कॉलेज प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। हालांकि काफी आग्रह करने पर प्राचार्य ने सुरक्षा प्रहरियों से कहा कि वे अपने स्तर से कंपनी के समक्ष कर्मियों की मांग को रखेंगे, जिससे कर्मियों को राहत सके। अगर मांग पूरी नहीं होने पर सुरक्षा प्रहरियों ने आगे आंदोलन तेज करने की बात कही। हम लोग जो यहाँ 5-7-10 साल से काम कर रहे हैं,
तो साथ साथ यहाँ ठेकेदारी होता है, वो नए ठेकेदार आते हैं और हम लोग कहते हैं कार से मुक्त कर दिया जाए या 15,000 रुपया दो नौकरी करना हो तो। इसके अगेंस्ट हम लोग प्राचार्य महोदय से मिलने आए हुए हैं, तो प्राचार्य महोदय ने कहा कि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, आपको काम कर पर रखे या नहीं रखे। जबकि हम लोग यहाँ पर 2016 जो इसके पहले कंपनी थी 2016 से ही हम लोग कार्यरत हैं। नहीं नहीं, कॉलेज चूँकि कॉलेज जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कॉलेज देती है, तो कॉलेज को चाहिए ना कि जो हमारे वर्क पुराने वर्कर हैं है ना उसको रोजी उसका रोजी रोजगार नहीं छीनाए। और सरकार जब कह रही है कि हम रोजगार की गारंटी देते हैं, ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में से गारंटी देते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको हम नियोजित करेंगे है ना। और एक तरफ जिसको रोजी रोजगार मिला हुआ उसको उसका रोजी छीना जाए। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की जघन्य हत्याकांड के हत्यारों को सजाए मौत देने की मांग को लेकर भागलपुर के पिपैती में भाजपा, बजरंग दल एवं अन्य हिंदू संगठन की ओर से जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का नेतृत्व जिला महामंत्री मुरारी पासवान समेत बजरंग दल और कई हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया। वहीं इस दौरान पिपैती के शेरमारी बाजार चौक पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए उदयपुर के कन्हैया लाल की तालिबानी तरीके से हत्या करने वाले आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज चपार को मौत की सजा देने की मांग की। मौके पर विकास सिंह राठौर, पंकज सिंह, विभाष ठाकुर, सुशील ठाकुर समेत काफी संख्या में विभिन्न संगठन के कार्यकर्ता और युवा मौजूद रहे। उस प्रकार के शिक्षा के कारण ही इस प्रकार की घटनाएं घटती है, वो उनकी मानसिकता ये तैयार हो गई है कि मतलब इस्लाम छोड़ कर के जो दूसरा कोई भी धर्म मानता है उसको खत्म कर दो, ये ऐसा नहीं चल सकता है। जब हम लोग सनातन धर्म ही हम लोग सभी का सम्मान करते हैं तो उनका भी ये दायित्व बनता है कि अन्य धर्मों का सम्मान करें। इस भारत में सभी धर्मों का समानता है, इससे इस प्रकार तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। गहलोत सरकार जो इस प्रकार की तुष्टिकरण कर रही है वो बंद होनी चाहिए। मैं राजस्थान में जो घटना घटी वो किसी भी समुदाय के लिए ठीक नहीं है। हम लोग सनातन धर्म में सभी धर्मों का इज्जत और मान सम्मान रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से घिनौना काम करते हुए कन्हैया लाल का गर्दन काट दिया गया, हम लोग भी सनातन धर्म में चूड़ी पहन कर नहीं बैठे हैं। जिस दिन हम लोग अगर जग गए उस दिन कितनों की गर्दन कट सकती है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में भिरखुद पंचायत के सरपंच अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर 11वें दिन भी डटे रहे। इसको लेकर सीओ शंभुशरण राय ने आमरण अनशन कर रहे सरपंच उदित नारायण मंडल से मुलाकात कर अनशन तोड़ने और उनकी मांग पूरी होने की बात कही। वहीं अनशन पर बैठे भिरखुद पंचायत के सरपंच उदित नारायण मंडल ने कहा कि जब तक मध्य विद्यालय उधाडी के प्रधानाचार्य प्रतिभा कुमारी सहित ग्रामीण शिक्षकों का स्थानांतरण लिखित रूप से नहीं होता है तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। हालांकि सरपंच द्वारा आमरण अनशन नहीं तोड़ने की बात पर सीओ शंभुशरण राय ने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर जल्द ही ग्रामीणों की मांगों का निदान कराया जाएगा। मौके पर भाजपा प्रवक्ता विकास कुमार कर्ण, सुधीर कुमार, अनु कुमार, गनीता देवी सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। तीन चार गो का बात था जिसमें प्रभारी समय तो वही हम लोग सीओ साहब कह रहे थे कि अब तो सब मांग पूरे हो गए। हम कहे कि हमारा मांग कहाँ पूरा हुआ, हमारा मांग सब अभी अधूरे हैं। प्रभारी को आपने बदलवे नहीं किए जो कि भ्रष्टाचार में आता है, उसी के चलते तो सारी मैंने टीचर का मनमानी चल रहा है। माता समिति का भंग करना था, एडीएम साहब भी कहे थे कि माता समिति को आपने सीओ साहब जा कर के वहाँ जांच करके उसको भंग करके चुनाव करवाई, आपने करवे भी नहीं किए तो बल्लभ का आश्वासन क्या दे रहे हैं। हम जब तक नहीं हमारा जो है मांग पूरा होगा तब तक हम अनशन पर से नहीं हटेंगे। भागलपुर के गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का बुधवार को बिहार विधानसभा परिसर में दिया गया बयान एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस बार गोपाल मंडल ने विधानसभा परिसर में बातचीत के दौरान मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कहा कि बिहार में जेडीयू के साथ भाजपा के होने से मुस्लिम समाज जेडीयू के साथ नहीं आ सकता क्योंकि भाजपा से मुस्लिमों को नफरत है। विधायक ने कहा कि भाजपा के कारण ही मुस्लिम समुदाय जेडीयू के साथ नहीं आ सकता है, जबकि ऐसा
नहीं है कि भाजपा वाले मुस्लिम को सताते हैं। वहीं AIMIM के 4 विधायकों के राजग में शामिल होने के मामले पर बोलते हुए गोपालपुर विधायक ने कहा कि आखिर मुस्लिम राजद के साथ नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा। गोपाल मंडल ने कहा कि AIMIM के विधायकों को राजद में जाना लाजमी था। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में मुस्लिमों के हित में कई कार्य करने के साथ उचित सम्मान भी दिया है, जबकि राजद पालों से मुस्लिम समाज को उतना सम्मान भी नहीं मिला है। इसके अलावा विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि भाजपा और जदयू भाई भाई हैं और बिहार में दोनों दलों के नेतृत्व में सरकार बेहतर कार्य कर रही है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती को लेकर शुरू की गई अग्निपथ योजना के बारे में गोपाल मंडल ने कहा कि इसे लाने के पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विज्ञापन के माध्यम से युवाओं को जानकारी देनी चाहिए थी, जैसे युवाओं में आक्रोश नहीं होता। तो मिलते जुलते रहती है, ये मान लीजिए ओबीसी वाले चले गए ना जी, 4 विधायक, तो आखिर मुस्लिम जाएगा कहाँ, आरजेडी के पास जाएगा। वो लाजमी था उनके पास जाना। आपके पास का नहीं, हमारे पास क्यों आएगा? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कैसे आएगा? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मेरे पास क्यों आएगा? भारतीय जनता पार्टी से उनको नफरत है, चूंकि उनकी नफरत, ऐसी कोई बात नहीं कि ये बीजेपी वाला कोई कष्ट देते हैं मुसलमान को। हमारे जितने जदयू आदरणीय नीतीश कुमार ने मुस्लिम को सम्मान दिया, सब कुछ दिया, वो हमने समझते हैं आरजेडी वाला दिया होगा। हमारी इच्छा है कि क्या जाए या सब आला कमान जो करेंगे वही ना करना पड़ेगा। और जाने से कोई लाभ नहीं है, आरजेडी वाला वोट ले लेता है और जदयू को वोट नहीं देता है, क्या फ़ायदा है? भाजपा के साथ ही रहना चाहिए। नहीं, भाजपा के साथ जाना चाहिए या अपना मजबूती प्रदान करना चाहिए? अभी तो हम लोग भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ रहने में फ़ायदा है कि नुकसान? अभी कैसे कह दें नुकसान है, दोनों भाई भाई हैं तो घाटा नफा तो होती है, कोई फल खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं, कोई शत्रुगुन्ना खा के रह जाता है, ये होता है। ये एकाएक बोल दिए, विद्यार्थी को समझ में नहीं आया कि अच्छा काम है कि ये क्या बोले नहीं बोले, ये उनको समझ में नहीं आया, इसलिए उन्हें विद्रोह कर दिया। एक और जहां बीपुर के भाजपा विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र और गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बीच जुबानी जंग चल रही है। वहीं इस बीच राष्ट्रीय जन जन पार्टी के नेता संजीव कुमार उर्फ झापो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहलगांव विधायक पवन यादव की तारीफ करते हुए बीपुर और गोपालपुर विधायक को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। दरअसल राष्ट्रीय जन जन पार्टी के नेता संजीव कुमार ने कहा कि कहलगांव विधायक पवन यादव ने उनके आग्रह पर पकड़ा से खगड़ा तक की सड़क के 6 किलोमीटर तक चौड़ीकरण करने का मामला विधानसभा में उठाया, जबकि इसके अलावा भी क्षेत्र की जनता के हित में उठाई गई मांग पर विधायक पवन यादव ने पहल की है। वहीं संजीव कुमार ने भीपुर और गोपालपुर के विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए के इन दोनों विधायक में से एक नौटंकीवास है तो दूसरे विधायक नाचने गाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि दोनों विधायक आपस में उलझे रहते हैं और इन्हें क्षेत्र के विकास से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या दोनों विधायक उस रोड से जाते आते हैं, क्या उन लोगों को नज़र नहीं आता है? 16 साल हो गया 2006 से, 16 साल हो गया 2022, वो अधूरा रोड क्या दोनों विधायक में से किसी को नज़र नहीं आया था आज तक? जो पवन यादव जी को हमको कहना पड़ा और पवन यादव जी ने मेरा कहना सुना, आज प्रश्न उठाए, सकारात्मक जवाब आया मंत्री के द्वारा और कार्य पूरा होगा, तो आप कार्य करके दिखाइए, नाटक मत कीजिए। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, वीडियो डिलीट करने को लेकर हुआ था विवाद। नशे के सौदागरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ब्राउन सुगर के साथ 2 लाख रुपया हुआ बरामद। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से लैश वाहनों को डीआईजी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, 112 डायल करते ही 10 मिनट में पहुंचेगी पुलिस। नवगछे में मध्याह्न भोजन खाने से 2 दर्जन बच्चे हुए बीमार, अस्पताल में चल रहा है इलाज। और स्मार्ट सिटी के तहत सैंडिस कंपाउंड में लगाए गए ग्रिल की असामाजिक तत्वों ने की चोरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।